सो आज की यह वर्सेस बैटल काफी ज्यादा धांसू होने वाली है, क्योंकि आज हम दो ऐसे कैरेक्टर्स का कंपैरिजन कराने वाले हैं जिनके लिए यूनिवर्स और मल्टीवर्स तो मैटर भी नहीं करता, क्योंकि ये मल्टीवर्स लेवल से भी ऊपर के कैरेक्टर्स हैं, या फिर हम कहें ओमनीवर्स लेवल के। ओमनीवर्स लेवल पर होने की वजह से ये बैटल काफी ज्यादा डेंजर हो जाती है, क्योंकि अगर इन लोगों ने अपनी पावर्स को कंट्रोल में नहीं रखा तो न जाने ये कितने सारे यूनिवर्स को तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इनकी बैटल में विनर कौन होगा ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहले बात करते हैं क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज की। एमसीयू के डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज का ओरिजिन भी सेम है, जहाँ पर होता यही है कि कार एक्सीडेंट में स्ट्रेंज के हाथों की नस काम करना बंद कर देती हैं, और अपने हाथों को ठीक करने के लिए स्ट्रेंज कामत ताज जाता है, जहाँ पर वो मैजिकल स्पेल्स को सीखकर उनमें महारत हासिल कर लेता है और बन जाता है सोर्स ऑफ सुप्रीम। डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिकल मिस्ट्री कार्ट में इतना एक्सपर्ट हो गया था कि उसकी पावर्स मल्टीवर्स लेवल से भी ऊपर चली गई। स्ट्रेंज अपने एक ही स्नैप से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क तक को इरेज कर सकता है। क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू तक को हराने की पावर रखता है, यहाँ तक कि स्ट्रेंज इटर्निटी के साथ मर्स तक हो गया था, और डॉक्टर साहब को इनकी पावर्स अगामोटो, अर्गाथ, रिक्यून, साइट्रोक, ओस्टोर, आइकोन जैसे पावरफुल बींग्स डॉक्टर साहब की मैजिकल पावर्स का सोर्स हैं। प्लस इटर्निटी ने खुद कहा था कि स्ट्रेंज पूरे मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल सोर्स ऑफ सुप्रीम है, लेकिन जब हम डॉक्टर साहब की पावर्स को देख ही रहे हैं तो ये भी देख लिया जाए कि इनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो डॉक्टर साहब के पास हैं लिमिटलेस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टेमिना, माइंड कंट्रोल, मैजिकल एबिलिटी, एनर्जी, टाइम एंड मैटर मैनिपुलेशन, विंड एंड एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इल्यूजन क्रिएशन, मैजिकल एनर्जी ब्लास्ट, टेलीकिनेसी, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, टाइम मैनिपुलेशन जैसी पावर्स के साथ साथ स्ट्रेंज इमोर्टल यानी कि अमर है। इसलिए अब अगर बात करी जाए लिविंग ट्रिब्यूनल की, तो फिर ये जान लो कि लिविंग ट्रिब्यूनल को वन अबव ओन ने बनाया था ताकि यूनिवर्स में अजकता और जस्टिस के बीच बैलेंस बना रहे। वैसे तो लिविंग ट्रिब्यूनल के पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, पर जो बॉडी लिविंग ट्रिब्यूनल यूज करता है वो बॉडी लिविंग ट्रिब्यूनल को मिली थी मैनिफेस्टेशन नाम की एक डायमेंशन से, जहाँ पर एम्बॉडीज बनाई जाती हैं एंड ये डायमेंशन टाइम से भी परे एग्जिस्ट करती है। लिविंग ट्रिब्यूनल की बॉडी में हमें तीन फेस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन लिविंग ट्रिब्यूनल की बॉडी का जो फोर्थ फेस था जो कि हमें कभी भी देखने के लिए नहीं मिला है, लिविंग ट्रिब्यूनल ने कहा था अगर वो फेस उसकी बॉडी में होता तो वो फेस काफी ज्यादा डेंजर हो सकता था, इसलिए लिविंग ट्रिब्यूनल की फोर्थ फेस की जगह पर कुछ भी नहीं है। लेकिन लिविंग ट्रिब्यूनल के तीनों फेस प्रेजेंट करते हैं इक्विटी, नेसेसरी और वाइग्रेंस को। प्लस तुम लोग ये चीज इस तरीके से भी समझ सकते हो, जिस तरीके से गैलेक्टस यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है जो कि यूनिवर्स में इक्वालिटी यानी कि संतुलन बनाए रखता है, वैसे ही नेसेसरी यानी कि जरूरत की चीजों को इटर्निटी पूरा करता है। और रही बात वैग्नीज यानी कि बदले की, तो वो डेथ का काम है, इसलिए लिविंग ट्रिब्यूनल इतना ज्यादा पावरफुल बींग है कि इसकी पावर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्लस अगर देखा जाए तो इसके पास हैं लिमिटेड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, एजिलिटी, स्पीड, सोल एनर्जी, मैटर, टाइम और क्वांटम मैनिपुलेशन, इन्फिनिटी हीलिंग फैक्टर, डिवाइड मैजिक कंट्रोल, रियलिटी रैपिंग, एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी न जाने कितनी पावर्स लिविंग ट्रिब्यूनल के पास हैं। इसके पास इतनी पावर्स हैं कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। फाइनली अगर हम बात करें अगर ये बैटल होती है तो इस बैटल में न जाने कितने यूनिवर्स और गैलेक्सी तो ऐसे ही तबाह हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इस बैटल का विनर लिविंग ट्रिब्यूनल ही होगा, क्योंकि ये मार्वल के मोस्ट पावरफुल बींग्स में से एक है। लेकिन अगर ब्यूंडर्स की बात ना करें तो वन अबव ऑल के बाद लिविंग ट्रिब्यूनल मार्वल में सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके पास न जाने कितनी पावर्स हैं जो कि क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कभी भी नहीं आ सकती। सो तुम लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाना।
मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।